हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका गुरु नीति के जेई वाले एपिसोड में 13th एपिसोड में स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ हैं मैं डॉक्टर मनीष रूडी, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो स्टार्ट करें सर। हाँ जी सर, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सर। द चार्ज और साइज रेशियो ऑफ कैटायन डिटरमाइंस इट्स पोलराइजिंग पावर। Which one of the following order represents the polarizing power of the species? सर इसमें सिंपल मैं यदि polarizing power की बात करूं तो मैं polarizing power के लिए बोल सकता हूं जो phi होगा directly proportional to charge upon radius। बोल सकता हूं सर। तो यहां से मेरे को जो species दी हुई है वो दी हुई है K plus Ca plus 2, Mg plus 2, Be plus 2। यदि यहां से अपन थोड़ा सा इसको concentrate करें तो ये तीनों एक ही ग्रुप के आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक ही ग्रुप में मेरे को ये पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस इंक्रीज हो रही होती है। बिल्कुल सर। तो रेडियस इंक्रीज हो रही है तो मैं ये बोल सकता हूँ फाई अपना क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बिल्कुल सर। तो फाई डिक्रीज हो रहा होगा नीचे जाने पर, मतलब ऊपर वाले का फाई ज्यादा होगा। तो बेरिलियम का फाई ज्यादा आना चाहिए मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का फाई ज्यादा आना चाहिए कैल्शियम से। अब बात आ जाती है कि के प्लस का क्या करें। तो यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो के पे प्लस 1 है जबकि बाकी रिमेनिंग 3 स्पीशीज पे प्लस 2 है और चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो ये इन तीनों का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस वन पोटेशियम। तो सबसे पहले होना चाहिए के प्लस, उससे ज्यादा आना चाहिए Ca+2, उससे ज्यादा होना चाहिए Mg+2 एंड देन Be। तो सर मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। इसे पोलराइजेशन पावर कहते हैं, किसको फाई को। बस इतना अपने को ध्यान रखना है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू बाई आर। आर क्यू क्या है, चार्ज ऑन केटाइन, आर क्या है रेडियस ऑफ केटाइन। नेक्स्ट बात करें सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ट्रू स्टेटमेंट इज। तो सर अपन को यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कंपाउंड, इनके लिए बात कर रहे हैं। तीन ऑप्शन में कंपाउंड दे रखे हैं अपने को। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर अपन बात करें ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, सर ने अभी बताया था पोलराइजेशन क्या होती है बेटा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर। अगर इनके लिए बात करें, किसके लिए, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम के लिए बात करें तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे इन तीनों में बात करें सबसे कम किसकी आएगी, रूबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की। अगर अपन कॉपर CuCl और NaCl में बात करें, इन दोनों के लिए बात करें तो बेटा एक फैक्टर डिसाइड करता है कि इसको फाई को, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिनमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस से अपन ज्यादा लेते हैं। तो इसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट में अपन कितने इलेक्ट्रॉन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किनको बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा और रिमेनिंग बाकी अपने ठीक है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। करेक्ट है सर, लेकिन ऑल दे रखा है तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल कर लेते हैं सर। सेकंड ऑप्शन में अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर नॉर्मल अगर बात करें तो अपन ऐसे कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड है वो नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां इसको सबसे कम दिखा रखा है तो ये तो वैसे स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया क्योंकि आयनिक है। बिल्कुल सर। और थोड़ा सा एक ये चीज अच्छी है यहाँ पर, इसके लिए आपको ध्यान देना है ये तीनों ही स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। किनमें, HG में, जिंक में, कैडमियम में। यहाँ सर बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि अगर ऑर्डर देखा जाए, क्या देखा जाए, इनके साइज का ऑर्डर देखा जाए तो जिंक प्लस 2, कैडमियम प्लस 2 और HG+2। इनमें साइज का ऑर्डर देखेंगे तो ये साइज का ऑर्डर आएगा, परंतु पोलराइजेशन का ऑर्डर भी इनका यही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी आएगी यहाँ पर, HgCl2 की, उससे कम कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होंगे। फिर कौन आएगा, CdCl2 और फिर आएगा अपना ZnCl2 और लास्ट में अगर बात करें तो CaCl2 आएगा क्योंकि इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सर ने अभी बताया था कि स्यूडो का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट अपना सही है, फर्स्ट, तो आंसर अपना आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है Mg2C3, मतलब सर कार्बाइड के केस की बात कर रहा है, रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग प्रोपाइन। प्रोपाइन की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू C3 - 4 चार्ज। तो सर इसके लिए अपन बात करना है, अपन को सिग्मा और पाई बॉन्ड चेक करना है। तो सर यदि सिंपल अपन डायरेक्टली इसको करना चाहे तो प्रोपाइन में मेरे को ये पता है प्रोपाइन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन ये बात करते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यदि अपन सिंपल एक लॉजिक की बात देखें, -4 है तो 4 हाइड्रोजन अपन ने हटा रखे हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये जैसे ही हट गए
तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया दो सिग्मा और दो पाई हो गए, ये तो अपनी डायरेक्ट अप्रोच हो गई, बिल्कुल, जिससे अपन डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं टू सिग्मा टू पाई फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर अपन इसको ऐसे करें तो कार्बाइड के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर सर जी कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हो तो उसके हाइड्रोलाइसिस से हमेशा अपने को क्या मिलेगी, मीथेन मिलेगी, मीथेन। जैसे मैं बोलूं आपको Al4C3 एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई से बना हुआ है, अगर अगर इसका मैं HOH करता हूं, हाइड्रोलाइसिस करता हूं, तो यहां अपने को क्या मिलेगी, CH4 मिलेगी, मीथेन गैस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें Be2C, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है, इसके ऊपर कितना -4 होता है, इस पर +2 है, थोड़ा कैंसिल करेंगे दो इधर आ जाएगा, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, मीथेन गैस ही अपने फॉर्मेशन होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कार्बाइड के केस में जहां भी क्रॉस होगा वहां पे डेफिनेटली मीथेन गैस बनेगी हाइड्रोलाइसिस पर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई नहीं बना हुआ तो अपन चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। चार्ज बैलेंस अपन कैसे करेंगे उनके लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने मेरे पास क्वेश्चन आया CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, तो अपने को ये क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं बना हुआ तो अपन देखेंगे कैल्शियम पर कितना था +2, तो यहाँ पर कितना होगा -2, तो दो कार्बन के ऊपर -2 कब आएगा, जब C(CN-). तो आपको ये भी पूछ लेता है कि कैल्शियम कार्बाइड में, जैसे ये इसमें पूछा है कि कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई है, तो बेटा अपन दे सकते हैं आंसर 1 सिग्मा 2 पाई। इसका आंसर अपन MOT से भी दे सकते हो। आप MOT से आपने देखा 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। अगर नेक्स्ट अपन देखें जैसे Mg2C2, तो एक Mg पर +2 होता है, तो 2 Mg पर कितना होगा +4 होगा, यहाँ पर +4 है तो इधर कितना आएगा -4 आएगा, तो आपको इसके लिए स्ट्रक्चर पूछे तो दो कार्बन के ऊपर -4 कब हो सकता है, इधर -2 एंड इधर -2 और एक बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो आपको ऐसे पूछ सकता है Mg2C2 में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। बिल्कुल सर, आप वाले की बात करें जो आप ये क्वेश्चन में दे रखा है इसके लिए बात करें, तो इसके लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही बात करेंगे, Mg2C3 दे रखा है तो आपको ऐसे पूछ लेता पहले तो क्वेश्चन ऐसा बनता है तो कि इसमें कौन से बॉन्ड है, तो अपन बॉन्ड की बात करें एक Mg पर +2 तो दो पर कितना हो गया +4 हो गया, इधर कितना आ जाएगा -4। तीन कार्बन पर अपने को -4 करना है, तो यहाँ दो कंडीशन बनती है अपने पास, 1 2, एक तो ये कंडीशन बन सकती है इधर -2 और इधर -2, और दूसरी कंडीशन बन सकती है अपने पास C(CC) प्रोपाइन -1 एंड -3, तो ये प्रोपाइन दे रहे तो अपन इससे कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड पूछता है कि कौन से बॉन्ड है, तो बेटा जी यहाँ पर तो देखो आयनिक आ जाएंगे, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गए अपने पास, और ये कौन से हो जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, जिसमें दो टाइप के बॉन्ड हो गए कोवलेंट एंड आयनिक। टोटल मिला के यहाँ से और यहाँ दोनों केसेस में सिग्मा और पाई कांस्टेंट रहने वाला, बिल्कुल 2 सिग्मा 2 पाई, ये रेजोनेटिंग सिस्टम है। इसमें सेकंड ये बात करते हैं दोनों में से स्टेबल कौन है, दोनों में से अपने स्टेबल कौन सा होगा, नीचे वाला जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पाई बाई रिपल्शन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सर आगे। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर कई बार काम भी आ जाता है। आइसो स्ट्रक्चरल की जहां अपन बात कर रहे होते हैं वहां पे अपन हाइब्रिडाइजेशन और एज वेल एज लोन पेयर दोनों अपन को चेक करना होगा। यहाँ पर वो एक थ्योरी अपने जो आती है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर PSEPR जो बात वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यस सर, तो उसके अकॉर्डिंग सर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, तो सर अपन को स्पीशीज दे रखा है NF3 NO3 माइनस BF3 S3O+ और N3H+। तो सर सभी में अपन को क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सर NF3 में अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 के अकॉर्डिंग 3 सिग्मा 1 लोन पेयर हो जाएगा। बिल्कुल सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल, और साथ में ये भी लिख ले 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो जाएगा। इनके स्टेरिक नंबर साथ-साथ लिख लो बेटा, स्टेरिक नंबर जिसके सेम आएंगे, स्टेरिक नंबर क्या होते हैं, लोन पेयर किस नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। फिर बोल रहा है NO3-, तो NO3- के लिए भी यदि मैं बात करूं तो NO3- में भी मैं क्या बोल सकता हूं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 6, तो 6 के अकॉर्डिंग 3 तो आ जाएंगे सिग्मा और 3 पाई, लेकिन पाई अपन यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहे, तो अपन को सिग्मा से स्टेरिक नंबर मिल जाएगा और 0 लोन पेयर हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही अपन BF3 में बात कर रहे हैं तो BF3 में अपन को सिंपल डायरेक्टली पता लग रहा है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड अपने पास मिलेंगे, 3 सिग्मा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 आ जाएगा 3 सिग्मा। फिर अपन बात कर रहे हैं H3O+, तो H3O+ में सेंटर एटम अपने पास ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 और एक इधर निकल गया है 5, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर आ गया सर अपने पास। तो सर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये NF3 के जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, sp3 मिल गया, हाँ 3 सिग्मा 1 लोन।
तो सर अपन को यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल देखना था, एक बच गया N3H जिसे हाइड्रोजोइक एसिड बोल रहे हैं, इसको सर अपन ऐसे नहीं करके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें तो वो अपना थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसके आपके सामने, N डबल बॉन्ड N और ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 2P pi, 2P pi कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको बोलते हैं बेटा जी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अपने को हाइब्रिडेशन वो किसमें बात कर रहे हैं, इसमें मेनली इस एटम के लिए बात करेगा तो इसमें sp आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लोन पे तो इसका जा चुका है, और इसके लिए बात करेगा तो इसमें sp2 आ जाएगा जहां पे दो सिग्मा और एक लोन पे, इधर का लोन पे ट्रांसफर हो चुका है इसलिए ये अपन ने कंसीडर नहीं किया। अब इनकी शेप देख लेते हैं, स्टीयरिंग नंबर से देख लीजिए, इसकी और इसकी सेम मिल रही है अपने को, बिल्कुल सर, मतलब NF3 एंड S3O+, NF3 एंड S3O+ यहां भी है और यहाँ भी है, दोनों में सेम मिल रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं कौन सी NO2 NO3 माइनस एंड BF3 NO3 माइनस एंड BF3, तो सर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो सर टोटल मिला के अपन को जब यदि सम संरचनात्मक आइसोस्ट्रक्चरल बोली तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज लोन पेयर चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके स्टीयरिंग नंबर सेम आ जाएगा तो इस शेप भी करीब करीब सेम आ जाएगा। चलिए सर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर इन परसेंटेज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो सर यहां पे पहले अपन को हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन की तरह हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। तो सर अपन यदि बात करें CO3-2 तो यहां पे यदि अपन सर बात करें तो 3 सिग्मा हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बिल्कुल ये आ जाएगा। यहां पे अपन बात करें 4 सिग्मा आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। I3- स्पेशल केस है, इसे II2- लिख सकते हैं सर अपन, बिल्कुल सर, और इसे II2- लिख लें अपन और उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करें तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर होंगे, sp3d हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बच्चों याद रखना, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन I एंड I, इसमें इसके ऊपर माइनस है, यहां से लोन पेयर किधर मूव करेंगे, I की ओर करेंगे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, या लेविस बेस की तरह करेगा, और ये किसकी तरह करेगा, लेविस एसिड की तरह, यहां पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और अपन आगे बात कर रहे हैं NCl3 की बात कर ले अपन, तो NCl3 में अपन बात करें यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा सर, बिल्कुल सर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। BCl2 की बात कर ले तो यहाँ पे अपने पास सिंपल sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो सर अब अपन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग परसेंट s कैरेक्टर देखें तो सर परसेंट s के अकॉर्डिंग अपन सब में डिवाइड करें तो सर ये अपने पास आ जाएगा 33% के अराउंड। सर ये sp3d2 को अपन देख लें तो सर ये अपन को 1/6 करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, तो 1/6 करेंगे सर तो ये अपने पास अराउंड आ जाना चाहिए 70% के आसपास बोल सकते हैं, 17% के आसपास बोल रहे हैं। एस करेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, केवल एस का परसेंटेज निकालना है, इन शॉर्ट अपन बात करें। इसके बाद sp3d की बात कर रहे हैं तो अराउंड 20% हो जाएगा सर, यहाँ पे सर ये 25% के अराउंड बात कर लेंगे, बिल्कुल सर, और यहाँ पे अपने पास 50%, तो एक बार अरेंज कर देंगे। मैक्सिमम किस में आ रहे हैं सर, एसपी में आ रहा है फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर का ऑप्शन केवल फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड और थर्ड तो वैसे कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल सर। 50 से कम अपन गए sp2 फर्स्ट में आ रहा है, तो सर फर्स्ट इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, आगे फिर जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर। फिर अपन देख रहे हैं इससे कम 25% की बात कर रहे हैं फोर्थ, तो फोर्थ का सर अपने पास ऑप्शन जो बन रहा है वो फर्स्ट बन रहा है, ये लॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो सर ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेज की अपन ने बात की। चलिए सर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा एक तो ये जरूर ध्यान रखें, हम जल्दी जल्दी में ट्रू देख लेते हैं, हमें यहाँ पे फॉल्स की बात कर रहा है HCO3F2, वही बात है, पहले हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सर यहां से मेरे को हाइब्रिडाइजेशन पता लग रहा है 5 तो सिग्मा हो जाएगा अपने पास, और 5 सिग्मा के बाद में अपने पास एक लोन पेयर नहीं 3π आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल सर। तो सर यहां से 5 सिग्मा आ रहा है अपने पास, इसको अपन थोड़ा मूव कराएं बेंट रूल की ओर लेके जाएं, तो बेंट रूल क्या बोलता है, हाई ईएन वाले को अपन कहां रखेंगे, जितना दूर एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे, तो यहां हाई ईएन वाले को अपन ने यहां रखा फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फिर अपने पास जो डबल बॉन्ड रह गए वो यहाँ पर रह गए, कहाँ पर, इक्विटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर कौन चले गए, फ्लोरीन चले गए, और इक्विटोरियल पोजीशन पर ऑक्सीजन रह गए। तो अपना पहला क्या कह रहा है, हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम जीनोन इज sp3d, बिल्कुल सही बात है सर, sp3d होगा क्योंकि पाई अपने काउंट नहीं होगा, पाई काउंट नहीं, तो sp3d आ गया सर, बिल्कुल सर। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही, आंसर ये नहीं होगा, फॉल्स पूछा, स्टेटमेंट सही हो गया। अगला कहता है कंपाउंड इज नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब सर मैं ये बोलूं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंटम जो है उसका जीरो, वो जीरो आ जाना चाहिए,
बिल्कुल सर, जीरो आ जाएगा तो अपन बोल देंगे ये नॉन पोलर होगा। बिल्कुल सर, तो अपन बोलते हैं म्यू आर इसका जीरो है, ये चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो सर इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो इसको कैंसिल कर देगा। म्यू सर म्यू आर भी जीरो है मतलब नॉन पोलर है। बिल्कुल सर, तो सर ये भी आंसर नहीं होगा अपना। हाँ जी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है अपना, स्टेटमेंट आंसर ये नहीं। हाँ, क्योंकि फॉल्स पूछा है। हाँ जी, द कंपाउंड हैज पीपाई डीपाई बॉन्डिंग। अब पीपाई डीपाई चेक करने के लिए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सा तरीका है, कि अपने जो पूछा जाता है वो मेनली sp3d और आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ उससे मिल जाएगा। अगर किसी के सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसमें एक, तो अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो जो एक पाई बॉन्ड होगा वो किससे बनेगा, पी पाई बनेगा। और जितने भी अदर पाई बॉन्ड है वो किससे बनेंगे, पीपाई डी पाई से बनेंगे। बिल्कुल, अदर होने चाहिए, ऐसे नहीं है नहीं, उसके बाद भी बता रहे हो। अगर किसी में sp3 या sp3 से ऊपर का कोई भी हाइब्रिडेशन है, sp3 से ऊपर का मतलब sp3d हो, sp3d2 हो, तो जितने भी पाई बॉन्ड बनते हैं वो सभी के सभी पी पाई और डी पाई से बनेंगे। तो अपन ने इसमें चेक किया, इसमें sp3d हाइब्रिडेशन है तो जितने भी पाई बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे किससे बनेंगे, पी पाई डी पाई से। और एक चीज और पूछ लेता आपको कि जो डी आता है वो डी किसका होता है, डी सेंट्रल एटम का आता है, क्योंकि वैसे तो देखोगे तो ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं। और जीनोन का डी यूज आया अपने पास, किसका है, जीनोन का। सर ये भी आप अच्छा बता रहे हैं, कई बार पूछ लेता है सर किसका, किस एटम के लिए अपन डी की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम का डी आएगा, तो ये बात कर रहे हैं यौगिक में पीपाई डीपाई बंद रखता है, बिल्कुल रखता है, ये भी रखता है, तो ये भी सही हो गया सर, तीनों स्टेटमेंट अपने सही हो गए, तो आंसर में से कोई फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और स्पीशीज ऑल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड। तो सर अपन को इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को दी है और मॉलिक्यूल्स दी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखें अपन, पहला तो दे रखा है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की बात कर रहा है। तो अपन बात करते हैं B2S6 में, बात करें डाइबोरेन हो गया सर, डाइबोरेन हो गया, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। अपन हाइब्रिडेशन में बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बनाना बॉन्डिंग वाले केस का आधार, बिल्कुल, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें क्या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा ये वाला। तो इसमें देखते हैं बेटा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। ठीक है, तो सेकंड बात करते हैं, रिक्त कक्षों की सहायता से संकरण को पूरा करता है, बिल्कुल सही, वैकेंट ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। सेकंड बात करता है, सभी बॉन्ड लेंथ क्या होने चाहिए, सेम बॉन्ड लेंथ होनी, मतलब ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। परंतु बेटा इसमें क्या चीज नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, एक्सियल और लिक्विड सोडियम बॉन्ड कैसा होगा, लार्ज होगा, लार्ज होगा, यहाँ बॉन्ड क्या होगा, स्मॉल होगा, तो डेफिनेटली फिर बॉन्ड लेंथ इक्वल हो ही नहीं सकती। इस ऑप्शन के कारण ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये करते जाना, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कि पहला ऑप्शन इसमें मिल रहा है, सेकंड भी मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये अपना पहला ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से ये क्वेश्चन चार अलग अलग क्वेश्चन को बना रहा है। बिल्कुल सर, आगे चले सर, बिल्कुल सेकंड के लिए बात करें, सेकंड में बात करें Al2Cl6, इसमें कौन सा बॉन्ड था, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जबकि इसमें बात करेंगे अपन, इसकी स्ट्रक्चर आएगी तो वैसे ही Cl 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 Al Cl Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यहां से मैं यहां बात करूंगा तो ये थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो पहला देखें टेट्राहेड्रल बिल्कुल है, हाइब्रिडेशन कैन बी कंसीडर्ड टू हैव टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, बिल्कुल कर रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल कर रहा है। ऑल बॉन्ड आर बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड सेम, यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड जो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, इनके कंपेयर में छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी किसके कारण रॉन्ग हो गया, थर्ड स्टेटमेंट के कारण, थर्ड स्टेटमेंट के कारण ये भी रॉन्ग हो गया। BCl2 के लिए देखें, पहला ही इसमें नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो सिंपल sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो पहले के कारण ही ये रॉन्ग हो। तो सर ये तो पता लग गया, आंसर तो फोर्थ होना है, क्योंकि बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें रॉन्ग हो ही गया है। इसको देख ले BF4- को, तो यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया sp3 है,
हाइब्रिडाइजेशन के बाद सर अपन से बात कर रहा है तो अपन को इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर हमको ये पता है इसके पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो ये 1 ले रहा है तो एम्प्टी ऑर्बिटल से बन रहा है, बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करा रहा है। और सर दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड लेंथ भी इधर इक्वल सेम है, तो सर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्पीशीज इज लार्जर देन फर्स्ट। तो सर अपन को सेकंड स्पीशीज के कंपैरेटिवली देखना है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है, सेकंड स्पीशीज इज लार्जर देन, यहां गड़बड़ करते हो कि वो आगे पीछे देख लेते हैं करना है। इसका सबसे पहले बेटा क्या करना, इसकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख लेना, यहां थोड़ा सा चेंज होता है। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन बॉन्ड एनर्जी के लिए, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ओवरलैपिंग इनवर्स होती है किसके, साइज के, साइज के। तो अपन इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, पर होती नहीं है क्योंकि इसमें लोन पे रिपल्शन आने लग जाता है। तो ये कहां चला जाता है, ये Br2 के नीचे चला जाता है, तो ये ऑर्डर क्या जाएगा, Cl2 Br2 लेस देन F2 एंड लास्ट में कौन आ जाएगा, I2। अब अपन को पूछ रहा है कि सेकंड स्पीशीज की लार्जर होनी चाहिए फर्स्ट से, तो सेकंड स्पीशीज लार्जर कहां पे है वो चेक करेंगे। जैसे इन दोनों में अपन चेक करें तो अपन को पता लग रहा है I2 तो स्मॉल है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे अपन को पता लग रहा है Br2 भी स्मॉल है Cl2 से, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अपन को पता लग रहा है Cl2 F2 से ज्यादा है जिसके कारण ट्विस्ट आया था जो ड्यू टू रिपल्शन पीछे आया है, तो यहाँ पे Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 से ज्यादा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सर बनना चाहिए। चलिए सर आगे बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल के लिए तो बात करें बेटा पहले इसको भी हाइब्रिडाइजेशन से, पर इसका स्पेशल ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला कुछ रूल लग रहा है इसमें। इसमें 134 डिग्री एंगल, कहीं आपको कहीं जगह 132 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पर इसमें 134 डिग्री एंगल होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके लिए आप याद ही रखना है ये ब्राउन गैस है, इसकी स्पेशल बातें याद रखना, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक है, ये एसिडिक है, ये इसकी जो नेचर है वो ध्यान रखना बेटा जी, ये एसिडिक है, पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन है, sp2 है, 134 डिग्री। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसमें 134, इसमें एक लोन पेयर आ गया तो लेस देन 120 आएगा, क्योंकि एक जो लोन पेयर होता है बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज करता है अराउंड 2.5 डिग्री 3 डिग्री तक जो बात। तो ये ऑप्शन देखें, ये राइट ऑप्शन है, बिल्कुल यही राइट हो गया सर अपना। सेकंड देखते हैं PCl3 PBr3 PI3। लेटरल एटम की साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, कब, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हुआ या लेटरल एटम डिफरेंट हुआ। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल ऑलवेज सेम रहेगा सेम हाइब्रिडाइजेशन में। आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको बोला BF3 है, BCl3 है, BBr3 है एंड BI3। BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3, अगर इनमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा जी यहां बॉन्ड एंगल आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलेगा, क्योंकि सेंटर एटम के पास लोन पेयर भी नहीं है और लेटरल एटम भी सेम है, एक एटम के ऊपर सेम होने चाहिए। परंतु यहां बात करते आप क्या करते हो, इन दोनों को मिक्स कर देते हो, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं सबके पास एक लोन पेयर है, ये फैक्टर अपने पास लग जाएगा कि जो लेटरल एटम है यदि वो साइज में बड़ा है तो फिर अपन बॉन्ड एंगल को उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, स्टेरिक इंडेंस लग जाएगा वहां पर। परंतु ये लगाना कब है स्टेरिक इंडेंस, जब सेंट्रल एटम के पास या तो कोई लोन पेयर हो या लेटरल एटम डिफरेंट, एक फैक्टर लगना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी अपना स्टेटमेंट राइट हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं BF2 CH4 H3O प्लस एंड NH3 के लिए बात करें। इनमें अगर अपन बात करें तो अपने को पहले हाइब्रिडेशन काउंट कर लो, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन, sp हो गया, 180 डिग्री आ गया, इसमें sp3, इसमें भी sp3, लेकिन साथ में एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, इसमें भी sp3, यहाँ 3 सिग्मा एक लोन पेयर, यहाँ भी 3 सिग्मा एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो पहले s करेक्टर लगा दे सर, s करेक्टर लगा तो मैक्सिमम इसमें, बिल्कुल मैक्सिमम। फिर इन तीनों में कौन सा नंबर ऑफ लोन पेयर लगा दे, नंबर ऑफ लोन पेयर इसके पास नहीं है, जीरो है, जीरो है। अभी दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो अब कौन सा लगाएंगे, ईएन फैक्टर लगाएंगे, ईएन फैक्टर सेंटर एटम का देखेंगे, ईएन, अगर सेंटर एटम में ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल
ज्यादा मिलेगा S3O+ में बोन एंगल ज्यादा आएगा किसके कंपेयर में N3 कंपेयर में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है N से बिल्कुल सर तो आंसर अपना फोर्थ होगा सही आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ आंसर क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर यस सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है KF कंबाइंस विद HF टू फॉर्म KHF2 द कंपाउंड कंटेन्स द स्पीशीज तो सर अपने को इसकी स्पीशीज के लिए ये बात कर रहा है कि कौन कौन सी स्पीशीज को ये देगा अच्छा क्वेश्चन है पूछा जाता है बार बार कि बात करें कि ये पूछना स्पीशीज कौन सी है या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयनिक बॉन्ड किसमें आयनिक बॉन्ड के अलग अगर बात करता है तो उसमें आयंस देखने हैं आयंस देखने हैं ठीक है तो ये अपने पास KF है और साथ में HF है इसके ये आयनिक है ये इस फॉर्म में रहेगा अब फ्लोराइड जो होता है वो हाइड्रोजन के पास पहले क्या कोशिश करता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए क्या बन जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पहले हर एटम चाहता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा है पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इस फ्लोरिन के पास गया इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो लास्ट में ये क्या करेगा इस पर पार्शियली पॉजिटिव इस पर पार्शियली नेगेटिव इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसको क्या बोल सकते हैं एच F2 इसको इकट्ठा करके मैं कैसे लिख सकता हूं ऐसे और साथ में साथ में K+ यहां आयनिक एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया है कि इनमें KHF2 में कौन से बॉन्ड है तो अपने पास कोवलेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक आयनिक बॉन्ड तो तीन टाइप के बॉन्ड हो गए आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्ड और बात करें स्पीसीज कौन सी है तो अपने पास K+ एंड HF2- माइनस है तो आंसर आ गया अपना थर्ड आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है सर तो इनकरेक्ट बात कर रहा है फर्स्ट बोल रहा है अमंग O2 प्लस O2 एंड O2 माइनस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस तो सर इसको मैं MOT के अकॉर्डिंग तो सर यहाँ पे O2 O2 प्लस और O2 माइनस की बात करूं और इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा बिल्कुल सर इसमें 15 है तो 2.5 हो जाएगा इसमें 17 है तो 1.5 रह जाएगा बिल्कुल सर और मैं बोल सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है जबकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो सर सबसे ज्यादा तो आना चाहिए O2 प्लस का उससे कम होना चाहिए O2 और उससे कम होना चाहिए O2 माइनस सर अपन देख रहे थे O2 प्लस O2 O2 माइनस ये करेक्ट है बिल्कुल इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा सेकंड बोल रहा है He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट एज द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैंसिल ईच अदर सर ये भी बोल सकते हैं और मैं यहाँ पे सिंपल बोल दूं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो है बिल्कुल सर बॉन्ड ऑर्डर जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जो आपको मॉलिक्यूल दिया है उनके एटम्स के बीच में बॉन्ड बॉन्ड ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये बात सही है इधर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इसको कैंसिल क्योंकि बॉन्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर जो निकालते हैं वो निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू तो सर ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा चले सर आगे बिल्कुल सर नेक्स्ट बोलता है सी टू ओ टू माइनस टू एल आई टू आर डायमैग्नेटिक तो सर इसके लिए यदि अपन बात करें तो हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो पैरामैग्नेटिक और वैसे है तो डायमैग्नेटिक लेकिन इसमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देना पड़ेगा तो सर यहाँ से सी टू में अपन बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए सी टू में आगे अपन बात करें ओ टू माइनस टू 18 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड Li2 Li2 की बात करें तो Li2 में सर अपने पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन तो सर यहाँ पे ये सारे डायमैग्नेटिक है ये सही है डायमैग्नेटिक ही है और 10 16 वाला को यहाँ पे अपना फंडा अटैक भी नहीं रहा है तो ये भी करेक्ट है तो सर इनकरेक्ट है तो यही हो गया यदि चारों ये सही है बिल्कुल देख लेते हैं फिर भी F2 मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज मोर देन पाई 2px पाई 2py तो सर MOT में हम बोलते हैं 14 इलेक्ट्रॉन से लेस और 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला केस देखें बिल्कुल तो सर F2 की यदि मैं बात करूं 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें सर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो सर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस आता है तो जब अपन इसमें MOT बनाते हैं तो सर हम इसमें बोलते हैं जब ऐसा वाला केस लग जाता है तो सर पाई ज्यादा रहेगा सिग्मा से ऐसा ही बोलते बिल्कुल तो सर यहाँ पे उल्टा बोल रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और यही हमारा आंसर अपना फोर्थ ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड नॉट पूछ रहा है सर नॉट पूछ रहा है तो बेटा ऑक्टेट रूल क्या है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास नहीं है वो हाइपोवैलेंट हो गए जिनके पास 8 से ज्यादा है वो हाइपरवैलेंट तो अपन देख लेते हैं इनमें CCl4 8 इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है N2O4 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें भी अपने पास स्ट्रक्चर बना के देख लेना आप बेटा जी इसमें भी अपने पास हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे
N2O4 में बात करेंगे, यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं BeF3। सर BeF3 में बात कर ले अपन, BeF3 हाँ जी, BeCl2 और NO2। तो सर BF3 में यदि अपन बात करें तो यहाँ पे सर ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सर। सर BeCl2 की बात करें इसके पास भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इधर यदि अपन बात करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। एंड NO2 की बात करेंगे अपन सर, तो NO2 पे लोन पेयर्स के अकॉर्डिंग भी अपन बनाएंगे तो सर यहाँ पे अपने पास 3 तो बॉन्ड्स आ जाएंगे। बिल्कुल सर। दो सिग्मा और एक पाई आ जाएगा और एक लोन पेयर। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, नहीं करते। इसमें इंपोर्ट, तो आंसर तो अपना कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड आ गया। पर इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो इंपोर्टेंट है कि कई बच्चे क्या करते हैं, सर इसमें भी तो नहीं है बेटा, ये आयनिक कंपाउंड है, सारे ये आयनिक कंपाउंड है, तो इन आयनिक कंपाउंड में अपन बात करेंगे क्या, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में ही आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सर अपना करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CU। सर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से भी देख बिल्कुल सकते हैं। वैसे मैं सिंपल बोलूं, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। सर इनके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो CO में सर 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, बिल्कुल सर। CO2 में 2 आता है, बिल्कुल सर। सर इधर वो रेजोनेंस के कारण जो शिफ्ट होता है तो 1.33 हो जाता है, बिल्कुल सर। सर इसके अकॉर्डिंग अपन सबसे सिंपल बोले तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर लेस होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बिल्कुल सर। तो सर बॉन्ड ऑर्डर लेस सबसे CO3-2 का है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इससे कम इसकी, इससे कम इसका, फोर्थ ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए सर आगे, बिल्कुल सर, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन कंपाउंड टाइप ECl3 वेयर ई इज इक्वल टू बी एंड पी, मतलब ई जो है एलिमेंट वो बोरोन और फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक बिस्मथ हो सकता है। एंगल बात करें Cl ECl में फॉर डिफरेंट ई आर इन ऑर्डर, तो सर ये बात कर रहे हैं अपन से, तो देखते हैं इसमें। पहले तो कंपाउंड ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले कंपाउंड बना लिया करो, जैसे मैंने कंपाउंड बनाया क्या बन गया, BCl3 बन गया, बिल्कुल PCl3 बन गया, ASCl3 बन जाएगा, BICl3 बन जाएगा। इन तीनों में तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर हो गया, बिल्कुल, जबकि इसमें तीनों के तीनों सिग्मा है, तो सबसे पहला फैक्टर अपन क्या लगाएंगे, एस करेक्टर लगाएंगे, तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, तो बॉन्ड एंगल नियर बाय 120 आ जाएगा, बिल्कुल। ये एक ग्रुप है पूरा, एक ग्रुप में बेटा जी सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो और लेटरल एटम सेम हो तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, हो जाएगा। तो अपन यहां देखें तो सबसे ज्यादा BCl3 फिर PCl3 फिर ASCl3 एंड BICl3, तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं अपन सर, ये बी यही वाला बना, बोरॉन सबसे फास्फोरस फिर आर्सेनिक फिर बिस्मिथ, तो सर सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल बॉन्ड एंगल का परसेंटेज वाला फार्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एंड बी एटम इन ए 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3। सर इसके लिए अपन से बात कर रहा है, तो सर अपन को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात करनी है, बिल्कुल सर। इसमें अपन क्या करेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन अच्छा है, इसमें रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद की बातें, इसमें अलग अलग एप्लीकेशन बोलते हैं, देखते हैं अपन कैसे। जैसे रिएक्शन से पहले की अगर मैं बात करूं NH3 एंड BF3, बिल्कुल, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है, इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो नियर 100 डिग्री, क्योंकि 1 लोन पेयर के कारण डिक्रीज हो गया, इसमें कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये लेविस एसिड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लो, बिल्कुल। इनमें अपन रिएक्शन करा देते, रिएक्शन करने के बाद में इनके क्या बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर अमोनिया ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा बच्चों को लगेगा सही है कि क्या हो रहा है, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेविस एसिड एंड लेविस बेस में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया BF F एंड F। यहां मैं बात करूं हाइब्रिडेशन वो का वही है, क्योंकि लोन पेयर किसमें चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट में, तो हाइब्रिडेशन आ गया sp3, परंतु बॉन्ड एंगल नियर बाय कितना चल जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल सर। इसमें अगर मैं बात करता तो यहाँ चारों के चारों वही सिग्मा है, तो sp3 आ गया, तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि हाइब्रिडेशन किसका चेंज हो रहा है, बोरॉन का हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, और साथ में बॉन्ड एंगल किसका इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन का इंक्रीज, नाइट्रोजन का इंक्रीज है, किसका डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल बोरॉन का डिक्रीज हो रहा है। तो अपन जैसे भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं, जैसे देखते हैं पिछले क्वेश्चन में अपने क्या पूछा गया है, कह रहा है कि एक एक में कराया गया, ए व बी परमाणु के समन्वय ज्यामिति संकरण होगा,
संकलन तो अपन क्या हो गया, रिएक्शन करने के बाद की बात कर रहे हैं बेटा ये, क्योंकि संकुल हो चुका है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात की। तो दोनों में टेट्राहेड्रल शेप आ गई और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो पहला ये ऑप्शन अपने पास मिल रहा है। बिल्कुल, ये कैसे भी आपको पूछ सकता है, आप करवा सकते हो, बोन एंगल पूछे, ज्योमेट्री पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, किसमें चेंज हुआ, किसका डिक्रीज, किसका इंक्रीज हुआ, वैसा बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन mx4 प्लस x2 चेंज इनटू mx4 x2। एटॉमिक नंबर ऑफ m दिया है 52। सर 52 का मतलब अपन TE की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सर ये अपने पास ये पता लगे टेल्यूरियम की बात कर रहे हैं सर अपन। एंड x एंड x' आर हैलोजन्स एंड x' इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, तो सर ये भी चीज एक अपन को इंपॉर्टेंट पता लग गई, x' x से ज्यादा होना चाहिए, ऑर्डर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। Then choose correct statement. Correct statement की अपन को इसने बात की। देख लेते हैं सर एक बार। Both x dash atom occupy axial position which are formed by overlapping of p and d orbital only. बेटा देखो, अगर hybridization हो गया, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर ये बात कर रहा है, इसमें hybridization अपन count करेंगे, तो यहाँ पर अपना कौन सा आएगा sp3d2 आएगा। जबकि इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन सा आता है sp3d। तो यहाँ तो अपन बोल सकते थे कि बैंक रूल के हिसाब से कि एक्सियल जो होते हैं पीडी ओवरलैपिंग वाले होते हैं और इक्विटोरियल होते हैं वो sp2 वाले हो जाएंगे, परंतु sp3d2 में अगर बात करते हैं तो यहाँ सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो कभी भी अपन किसी में डिफरेंस नहीं करते, सारे कैसे मिलते अपने को सेम मिलते। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। अगला कह रहा है ऑल mx बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल इन बोथ mx4 एंड mx4x2। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। mx4 के लिए बात करते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं तो एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं किसके कंपेयर में, इक्विटोरियल। तो ये इसके लिए तो गलत है, इसके लिए सही है। बिल्कुल, तो यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। उधर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला नेक्स्ट बात का, सेंट्रल एटम m डज नॉट यूज एनी वन वैलेंसी नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। बेटा फाइनल प्रोडक्ट में क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल, इसमें कौन से d काम आते हैं sp3d2 में, अगर बात करें dx2y2 एंड dz2 काम आते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इनका यदि अपन देखेंगे तो एक्सियल मतलब एक्सिस पे इनकी लोकस सारी होती है। बिल्कुल सर, तो ये एक्सियल काम आ रहे हैं, इसमें कोई भी नॉन एक्सियल काम नहीं आ रहा, तो अपना थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा और करेक्ट भी सर अपन से पूछा। फोर्थ में अगर आप देखना चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम m रिमेनिंग सेम इन बोथ है, नहीं sp3d है sp3d2 है, तो आंसर आ गया अपना थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंसीडर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एंड मोनो एटॉमिक गैसेस। तो सर इसके लिए बात की है, अपन को एक ग्राफ दे रखा है सर। तो सर अपन को फर्स्ट बोल रहा है A2D कंपाउंड आर H2O H2S H2SE H2TE रिस्पेक्टिवली। सर बॉन्ड ऑर्डर का ग्राफ दे रखा है, कुल मिला के ये बता रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसके रिस्पेक्ट में सर ये बात कर रहा है। तो इनके लिए अपन एक बार इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। जैसे H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा H2O, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इनमें क्या देख लेंगे अपन, मॉलिक्यूलर वेट देख लेंगे, तो इसके बाद में आएगा H2TE, फिर आएगा H2SE और फिर आएगा H2S। बिल्कुल, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम ऑर्डर आता है किसमें, इस ग्रुप में। जबकि अगर अपन किसके लिए बात करते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI की बात करते हैं, तो बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा HF का, फिर किसका आएगा, HI का। बिल्कुल सर, HBr और फिर HCl आएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा HF पीछे चला जाता है, पर अपने को मेल्टिंग पॉइंट पूछा ही नहीं है, उसने बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। तो देख लेते हैं अपन ऑप्शन में। तो सर फर्स्ट बोल रहा है A2D कंपाउंड्स H2O, तो सर यहां पे यदि अपन बात करें, यहां अरेंज कर लेते हैं सर उसमें, सर A को H2O बोल रखा है, B को सर इसने बोला है H2S, C को बोला है H2SE, और ये बोल रहा है H2T। सर अभी अपन देख के आए कि बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज्यादा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी रिमेनिंग इन 3 केसेस को अपन ने ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट देखा है, तो H2S सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम है,
उससे ज्यादा H2SE, उससे ज्यादा ये, तो ये तो सर करेक्ट पूछेगा पहला स्टेटमेंट। सर इसने इनकरेक्ट पूछा कि ये आंसर नहीं होगा। पहला तो अपना स्टेटमेंट सही आ गया, सेकंड में देखिए सर E2H कंपाउंड्स, तो E2H में बात करें तो E की बात कर रहा है HF, सर फिर बोल रहा है F के लिए बात करें तो ये हो जाएगा HCl, ये हो जाएगा अपने पास HBr, ये हो जाएगा HBr और ये हो जाएगा सर अपने पास HI। ये देखो सर H थोड़ा नीचे चला गया, इस चीज को बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ से अपन को पता है HF due to hydrogen bonding सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। HCl, HBr, HI, फिर से अपन वही molecular weight के according बात करें तो सर सबसे ज्यादा इसमें किसका हो जाना चाहिए, HI का हो जाना चाहिए, फिर HBr का, HF तो ही है, इन तीन पर बात करें HI, बिल्कुल सर, उससे कम सर HBr, बिल्कुल सर, उससे कम HCl, तो सर ये भी करेक्ट, बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट देखते हैं I2L जाना है सर अपन को, I2L, तो सर I2L की बात करें तो ये अपने पास CH4 है, ये अपने पास I2L के लिए बात करें ये अपने पास है SiH4, फिर सर अपने पास यहाँ पे बात कर रहा है GeH4, GeH4, फिर SnH4, SnH4, ये बात की है। और सर इनमें बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सीधा सीधा क्या देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर सर जी क्या देगा, ऐसा देगा, तो आप देखिए अपने ग्राफ में, तो सर सबसे ज्यादा तो SN होना चाहिए, बिल्कुल सर, उससे कम GE होना चाहिए, सर ये दोनों थोड़ा मिस्टेक कर गया, बिल्कुल सर, तो क्योंकि सर ये ज्यादा और ये कम होना चाहिए, तो रॉन्ग तो सर थर्ड स्टेटमेंट ही हो गया, मतलब अपना आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, बिल्कुल सर। तो सर ने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, बट डायरेक्ट चेक करते हैं, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सर ये तो सिंपल सा है बेटा, सर जैसे बता रहे हैं ये ध्यान रखा करो, सर ने जैसे ये नोट को लगा दिया है, आप भी जब क्वेश्चन करो सबसे ज्यादा आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करते आप, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में ये नॉट देखते नहीं है और पहले ही करेक्ट मिल गया तो लॉलीपॉप वाला ऑप्शन होता है, वो टिक कर देते हैं, ये थोड़ा चीज अपन को देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखता, हाइड्रोजन बॉन्ड रखने के लिए अपने को पहले बताया कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाई गेन वाले फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच, नॉर्मल कंडीशन तो ये तीनों बनाते हैं, कभी कभी कौन बना लेता है क्लोरीन भी, क्लोरीन भी आ जाता है, तो इसमें अपन देखें सर तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच पड़ा है एक, इसमें ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और यहाँ के प्लस पड़ा है और यहाँ के प्लस पड़ा है, तो यहाँ ओ एच बॉन्ड है, बिल्कुल हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा, परंतु इसने क्या पूछा सर ने नोट बताया नोट पूछा, इसके लिए बात करें तो यहां बात करते हैं पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ नेगेटिव यहाँ क्या है के प्लस और यहाँ भी क्या है के प्लस, तो ये हाइड्रोजन का डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात, बिल्कुल सर, तो सर ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो, बिल्कुल सर, ये H2 पैसे ही पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और क्लोरल हाइड्रेट के लिए, और इनको थोड़ा बता दे बेटा यहाँ पर क्लोरीन भी क्या बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, किसके कारण रिंग फॉर्मेशन हो जाने के कारण, ये क्लोरल हाइड्रेट है, नॉर्मली कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं रहते परंतु इसमें दो OH स्टेबल रहते हैं, ये रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए इसकी एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड लेवल की चली जाती है, जिसको क्या बोल देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही दो एटम्स में बन रहा है एक मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर, बिल्कुल सर अपना ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, चलिए सर आगे, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ भी सर अपन से करेक्ट स्टेटमेंट के लिए बात कर रहा है, लो सर, तो सर करेक्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इन CH2F2 द FCF बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन 109 degree 28 minutes, बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप EN बेस पर भी कर सकते हैं और इसको बेंट रूल, वैसे तो इसका ओरिजिनल तरीका तो बेंट रूल है परंतु आप मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं इससे EN बेस पर करने के लिए, जैसे इसको बनाया अपन ने, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन की EN ज्यादा है, फ्लोरीन की EN ज्यादा है तो ये इसको नीचे की ओर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो ये खींचेगा तो वो बढ़ने लग जाएगा, बिल्कुल सर सही होता है, पहले इन CH2F2 द FCF बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन 109 डिग्री, नहीं सर नहीं ये तो कम मिल रहा है, कम मिल रहा है ना सर, होने कितनी चाहिए 109 degree 20 minutes होना चाहिए था पर उससे कम मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो गया, पूछा गया अपन ने सही पूछा है, इन CH2F2 द CF bond has more than 25% characteristic. तो normally अगर अपन बात करें
तो ये बेंट रूल लगाना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि सर आगे वाले ऑप्शंस बिना बेंट रूल के नहीं होंगे। बेंट क्या बोलता है, हाई ईएन की ओर पी करेक्टर एंड लो ईएन की ओर एस करेक्टर रहते, तो इधर की ओर ज्यादा मूव कौन करेगा, पी करेक्टर, इधर की ओर कौन करेंगे, एस करेक्टर। तो होने कितने 25% चाहिए थे, पर 25 तो कम हो जाए, एस तो कम हो जाएंगे और पी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी अपना रॉन्ग हो गया। अगला कह रहे इन CH2F2 द SCH bond angle is larger than 109 degree। सर ये अपन ने बात की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, तो अपना थर्ड ऑप्शन सर इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन ले ले, इन CH2F2 द CH bond angle is less than CH bond has less than 25% S character। S character तो यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, बिल्कुल सर, यहाँ कम मिल रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट अपने का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो अपना सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, यस सर, नेक्स्ट बोल रहा है रोटेशन अराउंड बॉन्ड बिटवीन अंडरलाइन एटम्स, अंडरलाइन एटम के बीच में बात कर रहा है, इज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड बोला है, और साथ में मोर देन वन आंसर आ गए हैं, क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चालू हो गए, ये भी थोड़ा सा अपन को मोर देन वन होंगे यहाँ, तो अब चारों चक्कर वन हो सकते हैं या मोर देन वन हो सकते हैं, तो प्रतिबंधित घूर्णन या फिर स्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए बात करते हैं, ये कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये तीन चीजें जिनमें क्या क्या मिले अपने को, थ्री सेंटर टू ब्रिज बॉन्ड मिले, सीधी से बोले ब्रिज बॉन्ड मिले, जैसा अभी डाइपोल वगैरह में देखा सर, या फिर अपने को डबल बॉन्ड मिले, या फिर अपने को ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड रोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर सर इसकी स्ट्रक्चर बनाए अपन, सी डबल बॉन्ड सी एच एंड एच, यहाँ क्या आ गया सर जी, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाएगा सर, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर आ गया बिल्कुल दिखाएगा, ओटू की जो अपन बात करते हैं वो कुछ इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं, तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर हो जाता है अपना, बिल्कुल सर। और Al2Cl6 में देखा, तो अभी अपन ने देखा था इसमें क्या था, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, ब्रिज बॉन्ड था, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे सर सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे क्योंकि ये एल्केन का केस है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है इजी वे से, तो अपन ये आंसर नहीं आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 आंसर आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ नॉट ट्रू, मल्टीपल चॉइस आ गया, तो अपन को नॉट ट्रू देखना है, फर्स्ट आपको बोल रहा है C3O2 सर कार्बन सब ऑक्साइड की बात कर रहा है, और यहाँ से यदि अपन इसको बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसका स्ट्रक्चर सर ऐसा हो जाएगा, यदि हाइब्रिडाइजेशन सर देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा, और यहाँ पे sp2 बोल रहा है तो रॉन्ग है, और अपन को रॉन्ग ही पूछा है, तो मतलब एक तो ये करेक्ट है हमारा। सर सेकंड बोल रहा है इन Cr2O7-2 6 CrO bonds are identical, तो सर ये इसका स्ट्रक्चर से अपन देख सकते हैं, डाइक्रोमेट आयन है, तो इसमें अगर अपन देखें इसकी स्ट्रक्चर क्या बन रही है, Cr डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, O Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अगर इसमें रेजोनेंस देखेंगे तो ये तीनों ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 5/3 मतलब 1.66 आएगा, इनके लिए इन तीनों के लिए आएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि यहां देखते तो यहां भी 5/3 मतलब कितना आएगा 1.66 आएगा, कितना आएगा 1.66, तो यहां भी ये तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा 1.66, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बॉन्ड जो लेंथ है वो आइडेंटिटी, बिल्कुल सर ये स्टेटमेंट भी अपना कैसे आएगा सही है, तो सर ये तो आंसर नहीं होगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है तो ये नहीं होगा अपना आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें सर, इन B2S6 एंड Al2Cl6 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो सर इसके लिए अभी अपन पीछे बात कर चुके हैं B2S6 के लिए भी और Cl2, इसमें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो सर ये भी अपना गलत है, हां जी, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपना, द कलर ऑफ AGI इज एसोसिएटेड विद चेंज, तो सर ये भी अपना सही है, अपन डायरेक्ट पता ही है अपन को, तो सर नहीं ये रॉन्ग सर, रॉन्ग है सर, चार्ज ट्रांसफर नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट 3 एंड सही बात है बेटा, इस कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस आ जाएगा,
रेजोनेंस आ जाएगा तो सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे अपने इक्वल हो जाएंगे, जबकि इसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। तो सर ये अपना करेक्ट है, और नॉट करेक्ट पूछा है तो ये आंसर अपना नहीं आएगा सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल CO बॉन्ड्स इन HCO2- आर इक्वल बट नॉट इन HCOH। बिल्कुल सर, इसके लिए अपन बात कर लें। इसके लिए बात करें तो HC ये फॉर्मेट आयन है तो यहाँ तो रेजोनेंस आ जाएगा। बिल्कुल, ये CO बॉन्ड सेम आ जाएंगे, जबकि इसमें फॉर्मिक एसिड में बात करें तो यहाँ HC डबल बॉन्ड हो OH, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ये भी सही है, सही स्टेटमेंट हो गया। पर पूछा अच्छा क्या है, ये भी अपना आंसर नहीं है सर। अगला कह रहा है CO बॉन्ड लेंथ इन HCO2 इज लॉन्गर देन CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट। तो इसमें रेजोनेंस अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं तो कितना था 3/2, तो कितना था 1.5 आता, जबकि कार्बोनेट के लिए काउंट करेंगे 1.33 अपन पहले ही बता चुके हैं। तो ये रॉन्ग बोल रहा है कि कह रहा है कि क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्स होती है। बिल्कुल, तो CO बॉन्ड लेंथ इन HCO2- माइनस इज लॉन्गर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, अपने को रॉन्ग ही चाहिए था। तो सर स्टेटमेंट आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बिल्कुल, अगले वाले में देखें सर। CO बॉन्ड लेंथ इन HCO2- एंड CO बॉन्ड लेंथ इन CO3- टू आर इक्वल। तो सर अभी अपन ने बात की बॉन्ड लेंथ इक्वल है या नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होते तो इक्वल हो जाते, पर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, तो अपना आंसर फोर्थ भी हो जाएगा। तो सर मल्टीपल के अकॉर्डिंग अपना सर थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चले सर आगे। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहा है। बिल्कुल सर। तो सर देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहले में बोल रहा है CH3 का होल थ्राइस COH इज लेस एसिडिक देन CH3 का होल थ्राइस SiOH। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो सर बताइए सर, सर बैक बॉन्डिंग में यदि अपन बात कर लेते हैं काम आ जाएगा तो फिर वो डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो वो एसिडिक नहीं होगा। इसमें बात करें पहले में तो ये बना हुआ है CH3 का होल थ्राइस COH, ये बेटा जब टूटेगा तो किसमें जाएगा? CH3 का होल थ्राइस CO नेगेटिव प्लस H प्लस, H प्लस में ब्रेक होगा, जबकि ये वाला दूसरा जो दे रखा है CH3 में होल थ्राइस SiOH दे रखा है, तो इसमें क्या बनेगा CH3 का होल थ्राइस SiO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब अपन को ये देखना है कहां पे H प्लस इजीली निकल सकता है, वो चेक कर ले सर। यहां बैक बॉन्डिंग आ जाएगी और यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग आने के कारण ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये ज्यादा बनेगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये ज्यादा बनेगा, तो साथ में कौन बनेगा H प्लस ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा H प्लस अपने को मिलेगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये बोल रहा है CH3 होल थ्राइस COH इज लेस एसिडिक देन CH3 का होल थ्राइस SiOH। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं लाइक CO इट्स एनालॉग ऑफ Si इज नॉट स्टेबल। तो सर इसको अपन चेक कर लें। बिल्कुल, CO कार्बन CO बनाता है जबकि SiO नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि Si की साइज बड़ी हो जाने के कारण इसमें लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसीलिए बेटा जी आपको कहते हैं CO2 तो क्या करता है गैसेस फॉर्म में रहता है, जबकि SiO2 नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे CO इसके Si का समझात स्थाई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अभी अपने चेक कर लिया। हाँ जी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इन फॉस्जीन CO बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड व्हाई CCl बॉन्ड लेंथ इन शॉर्टर। तो सर इसमें अपन को COCl2 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, फॉस्जीन का देखते हैं अपन कि फॉस्जीन की जो स्ट्रक्चर है वो ये, यहां बेंट रूल लगाएंगे अपन। नॉर्मल मान लो कुछ भी इसकी बॉन्ड लेंथ रही होगी, पर बेंट क्या बोलता है, हाई ईएन की ओर पी कैरेक्टर है, लो ईएन की ओर एस कैरेक्टर। तो यहाँ इन दोनों में कंपेयर करूं तो यहाँ क्या रहेंगे सर जी, पी करेक्टर और यहाँ क्या रहेंगे एस करेक्टर। यहाँ नॉर्मल जितने पी होने चाहिए थे उससे ज्यादा मिल रहे, ज्यादा मिलेंगे तो अपने को बॉन्ड लेंथ नॉर्मल से ज्यादा मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इसका सर 1, 2, 3 मल्टीपल चॉइस है तो 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, दोनों की बात कर रहा है सर। बेटा जी जितनी भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर अपन बोलें वो सारी की सारी पोलर और कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। वो इसका पता कैसे लगाओगे कि वो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो आपको बेटा जी अगर दो sp3 हाइब्रिड एटम, यदि दो sp3 हाइब्रिड एटम जिसमें दो सिग्मा दो लोन पेयर होंगे वो सारी की सारी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर अपन कहें हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, H2O2 है, O2F2 है, H2Cl2 है, ये सारी की सारी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगी, तो ये नॉन प्लेनर होगी।
और पोलर होगी, तो ये तो होगा सर। बिल्कुल सर। बीटवे सिक्स की बात करें, बीटवे सिक्स नॉन प्लेनर तो है लेकिन नॉन पोलर भी है, म्यू जीरो मिलेगा, म्यू जीरो मिलेगा, तो सर अपन को पोलर देखने की ये ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर। अगर PCL2F3 की बात करें तो इसमें अपन बैंड टूल लगाएंगे, बैंड क्या बोलता है, हाई एन वाला कहाँ जाएगा, ऊपर और नीचे जाएगा। यहाँ क्या बच गया, फ्लोरीन बच गया, और यहाँ कौन आ गया, क्लोरीन एंड क्लोरीन आ गया। तो बेटा जी ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर यहाँ पर क्या आ गया, सीएल रिजल्टेंट मिलेगा, तो सर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, पोलर, ये पोलर हो जाएगा और नॉन प्लेनर होगा। पिरामिड वर्ड जहां भी लग गया वो हमेशा नॉन प्लेनर ही होगा। तो सब बिल्कुल सर, थर्ड भी हो जाएगा, फर्स्ट भी हो जाएगा, तो दो ऑप्शन से तो ये आ गए। इसके लिए चेक कर लेते हैं अपन। इसमें देखिए बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये प्लेनर मिलेगा अपने, क्योंकि सर ये एल्कडाइन के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। इसके लिए याद करने के लिए, अगर कंटिन्यूअस ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो प्लेनर मिलेगा, अगर इवन नंबर में आ रहे हैं तो वो नॉन प्लेनर मिलेगा। अगर इसके लिए बात कर लेते हैं आप, सी डबल बॉन्ड सी एंड सीएल सीएल एच एंड एच ले लेता, तो यहाँ पे इवन नंबर में है तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है तो अपन ये प्लेनर प्लेनर हो जाएगा। इसमें आंसर अपना फर्स्ट, क्या पूछा सर, पोलर एंड नॉन प्लेनर, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड आ जाएगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए सर आगे, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सर। इंटीजर टाइप है, इसमें कौन से यौगिक समतली है, प्लेनर है, जिसकी अभी अपन ने सब पीछे बात की थी, तो अपन सिंपल इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला भी बोल देते हैं और स्ट्रक्चर से भी देते हैं। बिल्कुल सर। पिरामिडल वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, sp3 वाले बी शेप को छोड़कर और प्लेनर नहीं होते, तो ये नॉन प्लेनर सर। ये B2S6 भी नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। इसके लिए स्पेशल ध्यान देना है, इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे ICl, इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ICl, Cl, 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 कोऑर्डिनेट, और यहां पर दो लोन पेयर मिल जाएंगे अपने को। बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर अपने को कैसी मिलेगी, प्लेनर स्ट्रक्चर, और नॉन पोलर मिलेगी। बिल्कुल, लोन पेयर के कारण अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अपनी प्लेनर देखनी थी, ये हो गई। बिल्कुल। BCl2N molecule, मतलब पॉलीमर बना रहा है, पॉलीमर बनाएगा तो sp3 hybridization आ जाएगा, तो नॉन प्लेनर आएगी ये भी। इसकी बात करें तो इसकी तरह ही होगा, पर इसमें 3 center 2 electron bond होगा, तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर आएगी। बिल्कुल सर। जिनोन F4 की बात करें, ये प्लेनर, प्लेनर होगी, क्योंकि ये जिनोन sp3d2 हो गया सर, F, N, F, ऊपर लोन पेयर और नीचे N, H। तो सर यहाँ पे इंटीजर टाइप में बात करें तो अपने पास सर दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो प्लेनर, तो यही अपना आंसर। अगर नॉन प्लेनर की पूछता तो 4 आंसर। तो सर ये आज अपन ने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में 25 क्वेश्चन से डिस्कस किया है। अपन अपने नेक्स्ट एपिसोड 14 में मिलेंगे, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग सेकंड डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।